तो फिर से एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न प्राइम ने पठान से कितना कमाया? क्या आप जानते हैं कि भैया पठान ने अमेज़न के ऊपर कितने रैंकिंग के अंदर यहाँ पे जो है वो अपना नंबर कलेक्ट किया है? और क्या आप जानते हैं कि अमेज़न प्राइम के ऊपर पठान रिलीज होने के बाद क्या हुआ? वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाली मूवीज के बारे में इसी तरीके से बातचीत चलती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें RRR यानी कि ट्रिपल आर के बारे में, तो यहाँ पे 300 करोड़ रुपए में भैया ट्रिपल आर सेंड की गई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी यहाँ पे 300 करोड़ रुपए। उसी के बाद यहाँ पे KGF 2, तो यहाँ पे भैया 275 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स के ऊपर KGF 2 को सेल किया गया था। लेकिन यहाँ पे भैया KGF 2 ने और यहाँ पे जो है वो ट्रिपल आर ने उन दोनों प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा कमा के नहीं दिया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पठान ने भैया 1050 करोड़ रुपए पूरी दुनिया से कलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे 100 करोड़ रुपए के अंदर पठान के डिजिटल राइट्स और यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल ग्राफिक राइट्स को सेल आउट किया गया अमेज़न प्राइम के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पठान आज यहां पे अमेज़न प्राइम की नंबर 1 बॉलीवुड मूवी बनने का खिताब ले चुकी है, जिसको देखने के लिए मिलियंस के अंदर लोगों ने यहां पे सब्सक्रिप्शन की, जिसको देखने के लिए मिलियंस की क्वांटिटी के अंदर लोगों का हुजूम पैदा हो गया। और यहां पे भैया नतीजा ये निकला, अमेज़न प्राइम का सर्वर ही क्रैश कर गया। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही यहाँ पे भैया पठान की। ओर 100 करोड़ रुपए के अंदर जिस फिल्म के राइट्स को यहाँ पे सेल आउट किया, उसी फिल्म ने यहाँ पे भैया आज तक यहाँ पे 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके अमेज़न प्राइम को दी है। जी हाँ दोस्तों, पठान एक ऐसी मूवी बन चुकी है जो खुद तो कमा रही है लेकिन जिसके हाथों में गई वो भी कमा रहे हैं। क्या लगता है पठान के बारे में यहाँ पे भैया, क्या इस मूवी का सीक्वेंस आना चाहिए? अब यहाँ पे भैया शाहरुख खान की जो वैल्यू है वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मैं समझता हूं कि आने वाली मूवीज के जो राइट्स है वो यहाँ पे अगर 500 करोड़ रुपए में भी सेल आउट किए गए तो OTT प्लेटफॉर्म उसको बाय करेंगे, क्योंकि यार बंदे की यहाँ पे डिमांड ही इतनी है। बाकी आप क्या क्या ओपिनियन है इस न्यूज को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे राहुल भाई से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भैया छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली मूवीज को कवर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें ज्यादा हरे कृष्णा।